ये है एटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। चंपाई मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, कुल 8 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। पहली बार मंत्री बने बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ। कांग्रेस और जेएमएम कोटे के पुराने चेहरों को फिर मिला मौका। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले झारखंड कांग्रेस में कलह, 12 विधायकों ने रांची में सर्किट हाउस के कमरे में खुद को किया लॉक। हेमंत मंत्रिमंडल के 3 पुराने चेहरों को बदलने की कर रहे थे मांग। झारखंड में भारत बंद का असर, रांची में ट्रेड यूनियंस ने निकाला मार्च। हजारीबाग में बंद समर्थकों ने डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक किया जाम। कोडरमा के झुमरी तलैयों में मजदूरों का विरोध मार्च। किसानों के समर्थन में बुलाए गए देशव्यापी बंद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। राजधानी के चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात, खुले हैं स्कूल और दफ्तर, बसों का परिचालन प्रभावित। बिहार में बदलाव के बाद झारखंड भाजपा से जदयू को उम्मीद। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो की अध्यक्षता में जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक। लोकसभा सीटों पर चुनावी तैयारी को लेकर मंथन। पश्चिमी सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट, गोइलकेरा के मारीदीरी जंगल में नक्सलियों के लगाए बारूदी सुरंग में विस्फोट से महिला की मौत। जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई थी बुजुर्ग। खूंटी में भीषण सड़क दुर्घटना, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 ट्रकों की सीधी टक्कर से हुआ हादसा। पलामू में फायरिंग, किराएदार ने मकान मालिक को घर में घुसकर मारी गोली। महिला निजी अस्पताल में भर्ती, वजह का पता लगा रही पुलिस। बोकारो में झड़प, छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, आरोपी मुखिया का पुत्र जख्मी, पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला। JSSC के उदासीन रवैये से नाराज होकर राजभवन पहुंचे छात्र, ज्ञापन सौंपकर जूनियर इंजीनियर्स ने राजभवन से परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आयोग को दिशा निर्देश जारी करने की लगाई गुहार। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।